हेलो एवरीवन, मैं हूँ गरिमा और चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी वीडियो। तो दोस्तों, आज की जो रेसिपी है वो है उड़द दाल और पालक से बनी हुई। दोनों ही जो चीजें हैं, इंग्रेडिएंट्स है, वो मेन इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों इस रेसिपी की, और ये रेसिपी बहुत ज्यादा अमेजिंग निकल कर आई है। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 1 कप उड़द की दाल को 1 घंटे के लिए वॉश करके अच्छे से भिगो कर रखा था। और देखिए, दाल अब हम जब उंगली से दबाते हैं या फिर नल से कट करते हैं तो दाल बहुत अच्छे से कट हो जाती है। साथ ही पालक के पत्ते हैं, पालक के पत्ते मैंने लगभग 150 ग्राम लिए हैं और उड़द की दाल 1 कप है। तो यहाँ पर पालक के पत्तों को अच्छे से वॉश करके रखा है। पहले हम देख लेते हैं कि दाल का हमें क्या करना है। तो दाल को पकाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक प्रेशर कुकर, और इस प्रेशर कुकर में हम अपनी भीगी हुई दाल को ऐड कर देंगे। दाल को ऐड करने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1 गिलास भर के पानी। तो 1 कप उड़द की दाल में एक पूरा फुल ग्लास यानी कि बड़ा ग्लास पानी ऐड करेंगे। और इसके बाद से जो है हम डालेंगे यहाँ पर 1/2 टीस्पून भर के हल्दी का पाउडर। साथ ही हम डालेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर ऑप्शनल है, यहाँ पर हम नमक ऐड नहीं करेंगे। बस इन दोनों चीजों के साथ हम दाल को यहाँ पर हमने गैस पर रख दिया है, और अभी फ्लेम में आपको दिखा रही हूँ, फ्लेम हाई है। तो हाई फ्लेम पर दाल को हम तब तक पकाएंगे जब तक दाल में एक अच्छा सा उबाल ना आने लगे, या फिर दाल में जब ऊपर की झाग बनती है उस लेवल तक हमें दाल को पकाना है। तो इसमें कुल 2 से 3 मिनट लगते हैं। देखिए, दाल में अब हल्का सा उबाल आने लगा है, दाल अब लगता है कि उबल जाएगी। तो इस टाइम पर आप लगा दें ढक्कन। दाल में हमें शुरू से ढक्कन नहीं लगाना है, एक तो दाल के उबलने का डर होता है दोस्तों, दाल बहुत ज्यादा पक भी जाती है। इस दाल को हमें ओवर कुक नहीं करना है, बहुत ही हल्का सा कुक करना है। तो जब इस तरह का उबाल आने लगे तब आप ढक्कन ले लें और ढक्कन को लगा दें। और ढक्कन लगाने के बाद हमें इसे कैसे प्रेशर लगाना है, कितने विसल देना है, वो मैं आगे आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर दाल में जब हल्की सी सनसनाहट शुरू हो, यानी कि ये प्रेशर ऐसा बनने लगे जैसा आपको सुनाई दे रहा है, मतलब सीटी उठे नहीं, सीटी से पहले वाला टाइम, तो उस टाइम पर आपको गैस को बंद कर देना। जी हाँ, हमें दाल को इतना ही पकाना है, ओवर कुक नहीं करना है दोस्तों। ये दाल जो बनती है वो बिल्कुल ऐसे ही बनती है। गैस को बंद करके इसका प्रेशर रिलीज होने देंगे। जब प्रेशर अच्छे से निकल जाए तब हम दाल को तुरंत खोल देंगे। ध्यान रखें कि प्रेशर निकलने के बाद आपको दाल को तुरंत खोलना है। और दाल कुछ ऐसी इस तरह की पकी हुई आपको मिलेगी। अभी यहाँ पर आपको पानी अलग और दाल अलग दिख रहे हैं, पर दाल आपको इतनी ही पकानी है, इसे बहुत ज्यादा घोटना नहीं है। तो दाल को हम साइड रख देते हैं और चलिए इसका तड़का तैयार करते हैं। यहाँ पर कढ़ाई है जिसमें 1 बड़ा चम्मच भर के मैं देशी घी ले रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच यानी कि सर्विंग वाला स्पून है ये, तो लगभग 4 टेबल स्पून आप देशी घी मान सकते हैं। देशी घी नहीं हो तो आप यहाँ पर तेल का भी यूज कर सकते हैं। देशी घी को हमें पहले यहाँ पर अच्छे से गर्म कर लेना है। तो चलिए इसको गर्म करते हैं। और अब इसके बाद जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तब हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के जीरा। साथ ही हम ले रहे हैं 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का। साथ ही 4 से 5 लौंग हैं। इसके अलावा यहाँ पर जाएगी 1/2 टीस्पून भर के हींग। तो हींग जरूर डालें, हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सारे मसालों के तड़कने के बाद अब हम डालेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज जो कि हमने बारीक चॉप करके रखी है। मीडियम साइज की प्याज को डालने के बाद फ्लेम को हाई ही रखना है। हाई फ्लेम पर प्याज को हम तब तक पकाएंगे बस जब तक कि प्याज हमारे हल्के से ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए। प्याज को हमें गोल्डन नहीं करना है। यहाँ पर जो हम तड़के में जो चीजें डालेंगे वो सारी चीजें एकदम क्रंची सी रहेंगी। तो देखिए, प्याज हमारी ट्रांसल्यूसेंट हो गई है। और अब इसके बाद से जो है यहाँ पर जा रही है 2 खाने वाली चम्मच भर के अदरक। इस रेसिपी में अदरक का बहुत ज्यादा रोल है, तो अदरक को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। आप काटने की जगह इसको चॉप करके या फिर क्रश करके डाल सकते हैं। और अभी गई है हरी मिर्च 1 बड़ा चम्मच खाने वाली भर के, यानी कि लगभग 4 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके डाल देनी है। हरी मिर्च और अदरक को हम हाई फ्लेम पर ही थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे कि फ्लेम सिम ना हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्याज अदरक हरी मिर्च है दोस्तों, इनको हमको क्रंची रखना है। और अब गया है टमाटर, तो 2 मीडियम साइज के टमाटर को चॉप करके लिया है। टमाटर के साथ ही साथ डालेंगे नमक जितना हमें पूरे रेसिपी में चाहिए। तो नमक मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून लिए हैं। नमक को अच्छे से मिला देते हैं टमाटर के साथ। टमाटर डालने के साथ ही साथ नमक डालते हैं तो टमाटर का कुकिंग प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है। इसके बाद से लगाएंगे ढक्कन, सिम फ्लेम पर इसको छोड़ेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद चेक करते हैं। देखिए, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। टमाटर को इतना ही सॉफ्ट करना है। इसके बाद से हम यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इसके बाद से मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून भर के धनिया का पाउडर। दोस्तों, मुझसे वो क्लिप मिस हो गई जो मैंने धनिया पाउडर डालते समय दिखाई थी। तो 2 टीस्पून मैंने धनिया का पाउडर ले लिया है। साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जो कि है 1 टीस्पून, सिर्फ कलर के लिए, क्योंकि हमने पहले से ही हरी मिर्च डाल रखी है इसलिए हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का यूज नहीं करेंगे। दोनों मसालों को बहुत थोड़ा सा 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। इनको बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि इसमें ऐसा कोई मसाला नहीं है जो हम एक्स्ट्रा फ्राई करें। तो इनको हम इसी तरह से 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं।
और इसे आप चाहें तो हल्का सा छोड़ भी सकते हैं। 40 सेकेंड के बाद हम डाल देंगे अपनी बारीक कटी हुई पालक। तो ये 150 ग्राम पालक है दोस्तों, इसको हमने अच्छे से चॉप करके डाल दिया है। इसकी जो मोटी डंडियां थी उनको निकाल कर जरूर अलग कर दें। यहाँ पर सिर्फ हमें पालक के हरे एकदम सॉफ्ट वाले पत्ते लेने हैं। मसालों में पालक को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमने फ्लेम को सिम किया है, यहाँ पर लगा दिया ढक्कन। इसको हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट में ही पालक अच्छी से सॉफ्ट हो जाती है। देखिए ऑयल कितना बढ़िया ओज आउट हो रहा है। मसाले जो है ऑयल जो पालक के साथ अच्छे से एकदम मिक्स हो गए हैं। पालक जब इस तरीके की हो जाए तब टाइम आ जाता है जो हमारी उबली हुई दाल है उसको यहाँ पर ऐड करने का। तो दाल को चलिए हम ऐड कर देते हैं। और दाल डालने के बाद प्रेशर कुकर में जो दाल बची हो या फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर वो पानी जरूर ले लें। तो इस तरह से ये पानी डाल दिया है। इसके बाद से अभी मुझे दाल थोड़ी गाढ़ी लग रही है लेकिन पहले मैं मिक्स कर लूंगी। मिक्स करके आप चेक कर लें कि आपको कितने पानी की और जरूरत है। तो जैसा कि आपको देखने से लग रहा है कि दाल थोड़ी गाढ़ी है, हम यहाँ पर थोड़ा सा यानी कि हाफ कप पानी ऐड करेंगे जिससे कि दाल हमारी थोड़ी सी पकने में जो पानी को सोखेगी वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हाफ कप पानी ले लेंगे, अच्छे से मिला लीजिए और दाल को एक बार हाई फ्लेम पर छोड़ दें। तो इस तरह से दाल को मिक्स करते हुए हम छोड़ेंगे इसको हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर दाल में जब उबाल आ जाए तब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून भर के गरम मसाले का पाउडर। गरम मसाले के पाउडर को अच्छे से मिला लीजिए। अच्छे से मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, अब फ्लेम को सिम करेंगे। और सिम फ्लेम पर दाल को ढक्कन लगाकर हम पकाएंगे पूरे 5 मिनट के लिए। दोस्तों 5 मिनट के बीच में आपको दाल को बिल्कुल भी खोलना नहीं है। उसे दाल बहुत अच्छी सी थोड़ी जो अधपकी है वो हल्की सी और पकेगी, साथ ही पानी के साथ अच्छी सी मिक्स हो जाएगी। तो 5 मिनट के लिए इसको ऐसे दम पर छोड़ दीजिए एकदम सिम फ्लेम के लिए। 5 मिनट के बाद मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि दाल की कंडीशन क्या है। वैसे 5 मिनट में दोस्तों दाल हमारी बहुत अच्छी सी पककर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से देखने पे देखिए दाल और पानी सभी कुछ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। दाल का कलर भी चेंज हो गया है। बहुत ही बढ़िया सी दोस्तों गाढ़ी सी हमारी ये उड़द पालक की दाल तैयार है। लेकिन मैं लगाऊंगी इसमें एक बढ़िया सा और अलग सा तड़का जो कि हम देखेंगे अभी। लेकिन पहले ये दाल आप चेक कर लीजिए। अगर दाल आपकी लगता है कि दाल अलग है पानी अलग है तो आप दाल को 3 से 4 मिनट और सिम फ्लेम पर पका लीजिए। क्योंकि दाल जो एकदम मिक्स होती है पानी के साथ मतलब गाढ़ी होती है वही दाल खाने में अच्छी लगती है दोस्तों। और ये दाल रोटी राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। वैसे रोटियों के साथ मैं बोलूंगी मोटी रोटियों के साथ ये दाल बहुत अच्छी लगती है। इसको मैं ढककर साइड छोड़ देती हूँ। और अब यहाँ पर देसी घी ले लिया है वापस से 1 टेबल स्पून। इसमें हम डालेंगे 8 से 9 लहसुन की कलियां जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था वो यहाँ पर डाल दिया है। लहसुन की कलियों को सिम फ्लेम पर थोड़ा सा पका लीजिए। ध्यान रखिए लहसुन की कलियों को सिम फ्लेम पर पकाइएगा, बहुत ज्यादा जलाना नहीं है। और ये लहसुन का तड़का दाल को बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देता है। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप स्किप करके यहाँ पर किसी और चीज का जीरे या फिर कसूरी मेथी का तड़का लगा सकते हैं। लहसुन देखिए हल्के से लाल हो गए हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और घी जब हल्का सा ठंडा हो तब हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, इससे दाल में बढ़िया सा कलर आएगा। एक सूखी लाल मिर्च लेकर यहाँ पर ऐड कर दीजिए। यह ऑप्शनल है, ये मैंने सिर्फ गार्निशिंग के लिए डाला है। और ये तड़का हमारा तैयार है। और इसके बाद से दाल को आप सर्व कर लें किसी बढ़िया से बर्तन में जिसमें आपको सर्व करना हो उसके ऊपर से ये तड़का पोर कर दें। देखिए हमारी कितनी बढ़िया सी लहसुनी तड़का वाली उड़द पालक की दाल बनकर तैयार है। दोस्तों रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। इसे सर्व कर सकते हैं रोटियों के साथ। रोटियों के साथ खाइएगा, एंजॉय करिएगा और अपने कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों रेसिपी तो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।